एक्चुअली नहीं था, और आपके पास बहुत ही अलग अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आपको पूरा बिजनेस मॉडल कंपनी के बारे में और ये सब चीजें पता होना जरूरी है। और खासकर आज हमारा जो बेसिकली एजेंडा है वो है कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और आई होप एक चीजें जो टीम देहरादून का जो सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम को लेकर के वे रेयरली फेल। आपको फॉर एग्जांपल आज का जो मिला होगा मैसेज जूम लिंक पे, वो 8:30 था, और नीचे लिखा होता है कि एज ए लीडर ये आप और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 8:25 पे कनेक्ट करें। थोड़ा सेटल टाइम करने का मिल जाता है, आप किसी को कॉल कर सकते हो, आप स्क्रीन पे देख करके कर सकते हो कि भाई कौन आया कौन नहीं आया, उसको रिमाइंड कर सकते हो, क्योंकि कई बार लोग भूल भी जाते हैं। और ठीक 8:35 पे हम स्टार्ट करते हैं इसको। और आज का जो प्रेजेंटेशन का इनविटेशन लिंक में भी जो एजेंडे था वो था कैलकुलेशन, और जो प्री बुकिंग ऑर्डर्स में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, किस तरह से उसको ऑर्डरिंग करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लान वाला पार्ट हम हो सकता है थोड़ा फास्ट करें, और नॉर्मली हम अपनी प्रेजेंटेशन को 35 से 40 मिनट में खत्म करते हैं। आप में से जितने लोगों ने इसको अटेंड किया होगा, मेरे को लग रहा है अभी भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जो कनेक्ट हो रहे हैं ठीक है, कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है कई बार ट्रैफिक में या कुछ भी हो सकता है, बट मेरा मानना ये है कि समय एक ऐसी चीज है जिसको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और समय को लेकर के मेरा और कुसुम का एक एक्सपीरियंस है कि लॉकडाउन से 3 या 4 साल पहले हम स्विट्जरलैंड में ट्रेवल कर रहे थे, और स्विट्जरलैंड के अंदर जब हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो अचानक अनाउंसमेंट आती है कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर गोइंग टू डिले आई मीन लेट बाय ऑलमोस्ट 90 सेकेंड। जो 90 सेकेंड की बात आई तो बड़ा अजीब सा लगा, हम इंडियन लोग हैं तो जाते हैं, हमें टाइम का तो बहुत ज्यादा पता होता नहीं है। मेरे फादर आर्मी में थे तो टाइम का थोड़ा पहले से रहता है, लेकिन मुझे बड़ा अचंबा लगा कि 90 सेकंड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, वो सांस ली निकल गई 90 सेकंड गया। तो ये बार बार रिपीट हुआ, एंड जब रिपीट होने के बाद जब हम प्लेटफॉर्म पे उतरे तो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने पूछा, भैया ये 90 सेकंड क्या होता है, कि ये 90 सेकंड लेट तो हमारे देश में तो होता ही नहीं, हमारे यहाँ तो 90 मिनट भी कोई सॉरी नहीं बोलता रेलवे डिपार्टमेंट। तो फिर उन्होंने जो जो सज्जन थे उन्होंने बताया कि ये हजारों बार में से शायद एक बार ऐसा होता होगा कि ये लेट होता है, इसलिए अनाउंसमेंट हुई। बाद में मैंने कुछ किताबों में पढ़ा कि देश के बहुत ऐसे देश हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जैसे जापान एक देश है, जर्मनी एक ऐसा देश है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिसमें हमारे देश के जैसे बहुत शार्प दिमाग वाले लोग नहीं है, मेहनती लोग नहीं है, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बट इवन देन वो उनको टिल डेट, भविष्य में तो हमारा देश भी डेवलप होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको डेवलप कंट्रीज बोला जाता है कई कई साल पहले। तो उस किताब में लिखा गया है कि देश का यानी एक परिवार का एक समाज का सबसे जो बड़ा एसेट है वो टाइम है, और ये वो देश हैं जिन्होंने समय को वैल्यू करना बहुत पहले शुरू कर दिया। तो इसके बारे में, समय के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा एक अंदाज लेंगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे एस्टोनिया का, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग टू बी बिग अपॉर्चुनिटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मैं आपको मोटिवेट होने के लिए भी नहीं कह रहा हूं, इसके डेटा अवेलेबल है हमारे देश के अंदर। वो डेटा क्या है, कुछ फैक्ट एनालिसिस, और मैं प्रेजेंटेशन में एक चीज भूल गया कि अगले कुछ समय के लिए, मैं नहीं, हो सकता है नॉर्मली हम 35-40 मिनट के बारे में बात करते हैं, तो हो सकता है कैलकुलेशन को समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, जो हमारी नॉर्मल प्लान की प्रेजेंटेशन होती है। तो फैक्ट एनालिसिस और ये सब कुछ समझने के लिए अगर आपने अपना
समय ये डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे देना ही है, तो आंखें स्क्रीन पे रखिएगा और कान खुले रखिएगा, एंड आई होप मेरा ऑडियो आपको मिल रहा होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बड़ी क्यों नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश में नीति आयोग है जिसको पहले पंचवर्षीय योजना और इस तरह की चीजें का डिपार्टमेंट जाना जाता था, इसी तरह से फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसी तरह से केपीएमजी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यही कहते हैं कि भाई इसका फ्यूचर तो बड़ा होना है। तो फैक्ट्स एनालिसिस है। एंड दूसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी नहीं चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये डेटा गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, एंड गवर्नमेंट का डेटा हमेशा काम होता है क्योंकि उनको प्रचार प्रसार अलग करना होता है, तो वो कम डेटा दिखाते हैं। तो ये डेटा कहता है कि इंडिया प्रोड्यूसेस रफली 10 मिलियन ग्रेजुएट, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 15 लाख इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले हो गए और 85 लाख बीए, बीएससी, बीबीए, बीएमएस, ऐसे कुछ चीजें बहुत हो सकती है। और हमारे देश का भी देखो दुर्भाग्य अजीब सा है कि जिस डिग्री से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं उसको अच्छा मानते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है आज की डेट में हेल्थ के मामले में, जो आयुर्वेदा के अंदर डिग्री लेते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, देश की सेवा करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, पेशेंट की सेवा करते हैं। बट सर्जरी को, मतलब मैं किसी को आगे पीछे नहीं कर रहा हूं, बट हमारे देश में ऐसा। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, और इसमें कहा गया है कि 5 मिलियन जो हमारे युवा हैं देश के, यंग हैं, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है। कोई भी सोचे गवर्नमेंट, इसका सलूशन किसी के पास नहीं है, और ये ग्रेजुएट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने बढ़ रहे हैं, 1.67 मिलियन लगभग लगभग, इसको आप 1 मिलियन 10 लाख होता है तो 15-16 लाख ग्रेजुएट हर साल नए आएंगे। तो ये डेटा है। इसके अलावा नॉर्मली जो ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप 10 मिलियन मान लें यानी 1 करोड़ मान लें, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, या तो जो हमने हमारे पूर्वजों से सीखा है कि भाई पढ़ो लिखो और फिर नौकरी ढूंढो, या ये कोई अपना बिजनेस करते हैं। बट आज की डेट में मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मींस इन जनरल एंड इन स्पेसिफिक, टेक्नोलॉजी का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो या इंटरनेट हो, ये ऐसी चीजें हैं जो चाहे जॉब्स हो ट्रेडिशनल या बिजनेसेस हो, इनको खत्म करेंगे आने वाले टाइम। आप में से काफी लोग हाईवे में ट्रेवल करते हैं, और जब आप हाईवे में ट्रेवल करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको हर 50 किलोमीटर, कई बार 100 किलोमीटर के अंदर एक गेट मिलता है जहां पे आप पे करते हो। अब जब आप पे करते हो वहां पे, जिसको फीस प्लाजा बोलते हैं हाईवे वाले, तो उस फीस प्लाजा में कम से कम 12 से 15 लोग एम्प्लॉयमेंट देता है, वो फीस, एक फीस प्लाजा। हर 50-100 किलोमीटर में एक फीस प्लाजा है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, बाकी तो आप समझ जाओ। अब पूरे देश के अंदर ये कितने फीस प्लाजा होंगे, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, ज्यादा भी, कैलकुलेशन तो एक नंबर से। ऑन एवरेज 15 लोग एक फीस प्लाजा में, जो आपका हाईवे पे होता है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है। मे बी हो सकता है 6 महीने, मे भी हो सकता है 1 साल के बाद। टेक्नोलॉजी इन सबको रिप्लेस कर देगी, इसकी जरूरत नहीं है, ना फीस प्लाजा होगा, आपका डायरेक्ट कितने किलोमीटर चले पैसा कट जाएगा।
एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी के एक छोटे से पार्ट ने एक ही झटके में 15 लाख से लेके 50 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। इसी तरह से जो ऑनलाइन शॉपिंग है, आज समझ में आ रहा है लोगों को, लेकिन ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक ब्लिंकिट करके एक सर्विस है, आप 11 बजे उसको सामान मंगाओगे, वो 10 मिनट में आपको सामान दे देगा। अब दुकान में कौन जाएगा? ये स्टार्ट हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी, मैंने केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम बताया, टेक्नोलॉजी का बेसिकली काम क्या है कि वो एक इंसान जो ऐसा काम कर सकता है जिसको एक मशीन रिप्लेस कर सकती है, वो भविष्य में उसको मशीन ही रिप्लेस करेगी। इंसान का रिप्लेसमेंट मशीन नहीं होगी, लेकिन इंसान ऐसा जो काम करता है जिसको मशीन से करवाया जा सकता है, तो वो काम मशीन करेगी। ये आप जब हाईवे बनते हैं तो आप देखो कि अगर आपसे 20-25 साल पहले अगर आपने कभी हाईवे पुल बनते हुए देखे होंगे, तो आप सैकड़ों सैकड़ों लेबर देखते होंगे। आज आपको हर हाईवे पे उन लेबर की बजाय एक मशीन दिखती होगी, लंबी चौड़ी पीले रंग की। तो एक मशीन 100 लोगों को रिप्लेस कर रही है। तो ये चैलेंजेस और बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, फिक्की, केपीएमजी हो चाहे नीति आयोग, वो क्यों बोलता है? क्योंकि ये कस्टमर तक कस्टमाइज प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक तरीका है। तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, इसके बारे में भी पॉजिटिव डेटा आपके फेवर में। अब जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, तो हर हर इंडस्ट्री के हर नॉर्म्स होते हैं, कुछ उसकी क्राइटेरियाज होती हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 4 P आते हैं, 4 P। कोई भी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली इसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, इसका अपॉर्चुनिटी प्लान भी होगा, इसमें कंपनी भी होगी। तो 4 P आते हैं। पहला प्रोफाइल, दैट इज कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान। कई बार लोग इसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि पैसा तो किससे आएगा, जो बिजनेस प्लान है। एंड चौथा पे रखा हुआ है, मेरे हिसाब से ये पहला होना चाहिए, पीपल इन द बिजनेस। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस बिजनेस को कौन करते हैं? लोग करते हैं। इसको आप पीपल बोलो, इसमें लीडर्स बोलो, प्लान को इंप्लीमेंट करने वाले लोग बोलो, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे, आगे प्रेजेंटेशन में आपको पता चलेगा, आज भी लगभग 27 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 98% जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो एक्चुअली उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में। ये सामान खुद बनाती ही नहीं है, 98%। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहना चाहिए, वो किसको रिप्लेस करती है? मैन्युफैक्चरर। और मैं इस प्रेजेंटेशन को बार बार बोलता हूं। अब सवाल उठता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वो कंज्यूमर को ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी ऑनलाइन हो चाहे रिटेलर हो या मॉल हो, उसके कंपैरिजन में क्या ऐसी चीज देता है कि वो डायरेक्ट सेलर से खरीदे? तो डायरेक्ट सेलर एक कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट देता है जो, जिसके पीछे उसको नॉलेज समझाना भी पड़ता है, उसका वैल्यू एडिशन समझाना पड़ेगा, वो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये सब बारे में बात होती है। तो जब ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, तो उसके लिए रिसर्च चाहिए। तो अगले प्रेजेंटेशन में भी स्लाइड मिलेगा, 100% इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास R&D है ही नहीं। आप बोलोगे कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के पास हैं, यस हैं, और उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं।
तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ, हमारे देश के जो लोग हैं उनकी स्किन अमेरिका से अलग है, उनका खान पान अमेरिका से अलग है, उनका बॉडी सिस्टम अलग है, तो इन्वायरमेंट अलग है। तो अगर अमेरिका में रह करके कोई कंपनी R&D लैब है उसकी और काम करती है, तो क्या वो स्किन के और हेल्थ के प्रोडक्ट इंडियन के हिसाब से बना सकते हैं? आप ऑब्वियसली बोलोगे नहीं। अब मैं इसका उदाहरण बता रहा हूं आपको कैसे हो सकता है। मैं कल भी सहारनपुर में कुछ लोगों से मिला था, और मेरे को साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। जिसको साउथ इंडियन खाना अच्छा लगता है या खाने का थोड़ा पता है, उसको ये पता चल जाएगा कि साउथ इंडियन जो खाना तमिलनाडु में या केरला में बनता है वो कभी नॉर्थ में नहीं बन सकता। पंजाबी खाना जो पंजाब में बन सकता है वो केरला तमिलनाडु में नहीं बन सकता। माछ भात जो बंगाल में बन सकता है वो उत्तराखंड या यूपी में नहीं बन सकता। तो ये तो बड़ा सिंपल है, मसाले सब कुछ पता है। तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर अमेरिका में होगी तो फिर इंडियन के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बन जाएगा? ये कॉपी पेस्ट होता है। तो ये प्रोफाइल में पहली बार आपको एस्टोनिया के बारे में जानोगे। आगे अब हम बात करते हैं दूसरा प्रोडक्ट आता है प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के कंपैरिजन में होना चाहिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट प्राइस में ट्रेडिशनल मार्केट से महंगा हुआ, नंबर एक, पहले तो कीमत के बारे में बात करते हैं। और अभी तक ये धारणा थी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट होगा वो दुकान से यानी रिटेलर से महंगा नहीं, बहुत महंगा होगा। अब अगर डायरेक्ट सेलर का और रिटेलर का कंपैरिजन किया जाए तो मेरा मानना यह है कि रिटेलर के फेवर में चीजें हैं। रिटेलर की एक रेपुटेशन है, उसकी एक लोकेशन है, वो उधार में भी सामान दे देता है, वो 10 घंटे अवेलेबल है। डायरेक्ट सेलर से फिर क्यों कंस्टमर सामान खरीदेगा? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था 27 सालों में। स्टोनिया के अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो एक डायरेक्ट सेलर को रिटेलर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा एज इसलिए देगा क्योंकि प्रोडक्ट रिटेलर के कंपैरिजन में प्राइस में तो कंपिटेटिव होंगे ही, बट क्वालिटी में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट सेलर कस्टमर को रिटेलर के कंपैरिजन में बेहतर प्राइस और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकता है, तब जाकर के वो डायरेक्ट सेलर से सामान खरीदेगा। अब जब हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आगे आपको पता चल जाएगा कि एस्टोनिया के पास आज ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इस समय तक इंडस्ट्री में कोई कंपैरिजन नहीं। इसके बाद आता है प्लान। अगर सीधा प्लान देखो, मैं कई बार बोलता हूं कि क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्लान की वजह से बेचा जा रहा है या प्रोडक्ट की वजह से प्लान बेचा जा रहा है, दोनों में फर्क है। तो मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मान लेते हैं कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट लेके आती है जो रिटेलर को, दुकानदार को बहुत बड़ा मार्जिन देती है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं। शायद रिटेलर की रेपुटेशन की वजह से वो प्रोडक्ट एक बार बिक जाएगा बट वो दोबारा नहीं बिकेगा। तो अगर प्लान के ऊपर जाए और प्लान दिखा रहा है कि बड़े पैसे हैं बट प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है कस्टमर के लिए, तो जब कस्टमर बार बार प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा डायरेक्ट सेलर से तो प्लान कहां से चलेगा? तो प्लान प्रोडक्ट की वजह से चलना चाहिए। दुकानदार का बिजनेस प्रोडक्ट की वजह से जाता है। एंड प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट कंपनी बनाती है जिसमें ठीक है उसको मार्जिन भी देती है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट देती है जो कस्टमर फिर जाके दुकान में खरीदता है कि भाई ये दे दो शर्मा जी। तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एंड चौथा चीज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, पीपल बिहाइंड द बिजनेस। तो चौथे पॉइंट को लेकर के मैं बड़ा क्लियर हूं, हम बड़े क्लियर हैं, ये लोगों का बिजनेस है। अगर हम सच्चे दिल से और मेहनत से लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ये चौथा पॉइंट हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जितने लोग हम कनेक्टेड हैं, तो वी हैव द बेस्ट प्रोफाइल, आगे बात करेंगे, वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट एंड वी हैव द बेस्ट प्लान। बट द बेस्ट प्रोफाइल एंड बेस्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट प्लान हो सकता है काम ना करे इफ एज ए पीपल वी आर नॉट नॉट द बेस्ट। तो चारों पी मजबूत होने जरूरी है अगर बड़ा बिजनेस बनाना है। अब आगे हम बात करेंगे उस कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो अपने भारत में डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बताया 27 साल पूरे हो गए, 27 साल के बाद भी 98% जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं दे डू नॉट हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग एंड 100% डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज डू नॉट हैव R&D फैसिलिटीज इंडिया। ये हमने बात कर लिया। आगे हम एस्टोनिया के बारे में बात करेंगे और ये पहला पी है, दैट इज प्रोफाइल। तो हु वी आर, तो ये एस्टोनिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी फैसिलिटी कितनी है कि 3 फ्लोर पे, आप में से काफी लोगों ने पर्सनली जाके इसको विजिट किया हुआ है, कि 3 फ्लोर में लगभग लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट का इनका मैन्युफैक्चरिंग है। इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनका अपना क्वालिटी एनालिसिस है। कल भी अगर आपने यूट्यूब में देखा होगा तो 0 लिक्विड डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये बहुत रेयर होता है। आप उत्तराखंड में, अलग अलग स्टेट से आप कनेक्टेड हो, लेकिन उत्तराखंड में अगर आप देखें तो हरिद्वार हो या रुद्रपुर हो, वहां पे बहुत बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं अलग अलग रेंज में। कोई ऑटो में करता है, जो कॉस्मेटिक्स में करता है, जो कोई कपड़ों में करता है, कोई कन्फेक्शनरी में करता है। तो उनका जो पानी इस्तेमाल होता है हर फैक्ट्री में, वो पानी लास्ट में जाके कहाँ से नाले में फेंक देते हैं। तो ये ऐसा प्लांट है कि इस प्लांट के बाहर कोई पानी नहीं जाता। और R&D फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते, बहुत लंबा समय लग जाएगा कि इनके पास क्या क्या रिसर्च फैसिलिटीज हैं। ये सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप गूगल में खुद ट्राई करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अदरवाइज ये एक तरफा हो जाएगा। मैं 2 चीजों के बारे में बोल रहा हूँ, USFDA एंड इकोसर्ट कॉस्मोस, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। ये इंडिया में वही मैन्युफैक्चरर लेते हैं या उन्हीं मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है जो डेवलप कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। एस्टोनिया डायरेक्ट सेलिंग से पहले 25 से ज्यादा यूरोपियन और अमेरिकन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज को सप्लीमेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो USFDA है और इकोसर्ट कॉस्मोस है, ये सर्टिफिकेशन इनके पास है। आप गूगल में ट्राई करिएगा कितनी लोगों के पास इंडिया में ये सर्टिफिकेशन है। एंड इसके बाद आयुष है, CE भी एक सर्टिफिकेशन है, ये यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। पैटा भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में सर्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। ये हम पहला पी बात कर रहे हैं, प्रोफाइल। तो R&D हो गई, उनका सर्टिफिकेशन हो गया। अब ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, कितना बना सकते हैं, तो 10 मिलियन ट्यूब्स पर मंथ, 1 करोड़ ट्यूब्स होती है, मोर देन इनफ, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये सभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इनका लोकेशन है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट फर्स्ट फेज में लॉन्च कर रहे हैं, अगले 1 महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाएंगे। ये इंडिया के अंदर 2016-17 में, हम इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ी ग्लोबल कंपनीज है उसके बारे में सुनते थे,
कि वो भविष्य में ऐसे प्रोडक्ट लाएंगे जो डीएनए को भी हेल्दी कर सकती है। डायरेक्ट सेलिंग में सोनिया पहली कंपनी है इंडिया के अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट ला रही है, क्योंकि जहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जब हम प्रोडक्ट के ऊपर आ गए, ये प्रोडक्ट यूनिक होंगे, क्यों कस्टमर आपसे ही लेगा। अगर कोई ऐसा कुछ उसको दुकान से मिल रहा होगा, मेडिकल स्टोर से मिल रहा होगा, तो वहां से ले लेगा। तो हर्बो न्यूट्रोजेनोमिक्स एक यूनिक ब्रांड है, इसके बारे में बात करेंगे। इस हेल्थ के एक ही प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक भी होगा, इनके हेल्थ प्रोडक्ट में, और ये सभी हेल्थ प्रोडक्ट टारगेटेड होंगे। डायबिटिक के लिए मल्टीविटामिन अलग होगा, ब्रेन के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है, प्रोस्टेट के लिए अलग है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अलग है, लीवर के लिए अलग है। और हर प्रोडक्ट में पांच चीजें होंगी। पहला, क्योंकि हर प्रोडक्ट जब आप उसको खाओगे तो गट सिस्टम के जरिए जाएगा, तो प्रोबायोटिक होगा, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, हर प्रोडक्ट के अंदर हर्ब्स होंगी जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हेल्दी रखेगा, क्योर करेगा। हर प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे जो पर्टिकुलर टारगेट के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करें। एंड हर प्रोडक्ट के अंदर हर ऑर्गन के लिए टारगेटेड जो प्रोडक्ट बनेगा, हर ऑर्गन के लिए उसमें न्यूट्रोजेनोमिक्स होगा जो जीनोम हीलिंग हीलिंग करेगा, जिसको आप डीएनए को बोल सकते हो। ये पांच चीजें एक ही प्रोडक्ट में, और वो भी टारगेटेड प्रोडक्ट में होंगी। मतलब लीवर में ये पांच चीजें होंगी, हार्ट में इस तरह की चीजें होंगी। और इसीलिए हर्बो न्यूट्रोजेनेमिक्स जेनेक्स को न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब ये इनके लगभग पैकिंग होगी। इसके अलावा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होंगे जिनका डर्मा आर्ट इनका ब्रांड है, आपको अंदाज लग जाएगा। और डर्मा आर्ट क्यों पॉपुलर होगा, क्योंकि ये उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जो इको सर्ट और कॉस्मस सर्टिफाइड होंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी है, वेगन एंड ऑर्गेनिक होंगे, हजार्डस केमिकल फ्री होगा, एक्वा बेस्ड होगा, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होगा, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग होगी। इसके अलावा तीसरा रेंज आएगा इनका, जनरल न्यूट्रा एंड हर्बल, यानी जिसमें प्योर न्यूट्रिशन होगा या प्योर आयुर्वेदा होगा। अब बात करते हैं, दो पी की हमने बात कर दी, अब तीसरे पी के बारे में बात करेंगे, बिजनेस प्लान। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी कंपनी को बड़ा होने के लिए, जैसे नॉर्मली आज कोई कंपनी लॉन्च हो रही है, ट्रेडिशनल दुनिया में, और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो शेयर मार्केट का एक एक्सपर्ट के पास आप जाते हो, वो बताता है, भाई साहब ये नई कंपनी शुरू हो रही है, आज 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है, लेकिन ये इतने साल में इतने का हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसके पेटेंट्स हैं, ये इसकी रिसर्च है, ये प्रोडक्ट बनाएगा, ये इसकी मार्केट होगी, ये करके ये इसके पास मैनेजमेंट है। तो जा करके आप 10 रुपए या 100 रुपए का शेयर खरीदते हो, और क्योंकि एक्सपर्ट को पता है, तो 5 साल में वो रिटर्न देता है या 2 साल में या 3 साल में रिटर्न देता है। ठीक उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर आपको एनालिसिस है, तो आपको पता है 4 पी चाहिए। पहले पी में, यानी प्रोफाइल में, ये किसी भी बड़ी 60, 70, 80 साल पुरानी कंपनी से पीछे नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में। प्रोडक्ट के मामले में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब हम प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसको आपने समझना है, उसके हम कैलकुलेशन के ऊपर भी बात करेंगे। पहला, 10% रिटेल डिस्काउंट है, जब कोई भी इंसान रजिस्टर होकर के प्रोडक्ट खरीदता है, वो कितने का भी प्रोडक्ट खरीदेगा, 2500 बिजनेस वॉल्यूम से कम का है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदता है, तो ऑब्वियसली उसको पूरा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जिसको डीपी और एमआरपी बोलते हैं। 100% रिटेल प्रॉफिट भी यहाँ पे पॉसिबल है कुछ प्रोडक्ट्स में।
अब बात करते हैं, हम जो कैलकुलेशन बता रहे थे उससे पहले, स्टार्ट एज कॉर्पोरेट बिजनेस ओनर, क्योंकि इसमें जनरल न्यूट्रा आएगा, इसमें प्योर आयुर्वेदा आएगा, इसमें हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स है, तो ऑब्वियसली इस बिजनेस में ऐसे भी लोग आएंगे जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जिनके पास खुद लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदा, मेरी आंध्रा में बात हुई मिस्टर ताज पासा जी से, इस तरह के लोग आएंगे, मेडिकल स्टोर वाले, तो इनके पास कस्टमर, एक डायरेक्ट सेलर 1 महीने में कितने कस्टमर को सर्व कर सकता है, 10, 15, 20, 25, 30। लेकिन एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज डॉक्टर है इस फील्ड के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, ये कोई मेडिकल स्टोर है, उसके पास तो 30 लोग रोज आते हैं, तो वो एज ए कॉर्पोरेट बिजनेस ओनर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जब वो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ही और शी विल गेट 10,000 का प्रोडक्ट फ्री। अगर वो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको 21,000 का प्रोडक्ट मिलेगा फ्री, और ये 2 इनवॉइस में पॉसिबल है। अब पहला जो हम प्लान के बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक पी के बारे में बात करेंगे, पीपल बिहाइंड द बिजनेस। तो वेलकम रिटेल बोनस में ये यूनिक है इंडस्ट्री के अंदर, इसमें लिखा गया है, हो सकता है समझ में ना आए तो इसको थोड़ा एलोबोरेट करेंगे, क्योंकि इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, कि जो फर्स्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उससे आपको 70% मिलेगा। ये कैसे 70% मिलेगा? सेकेंड लेवल से 15% मिलेगा, थर्ड लेवल से ये 10% और फोर्थ लेवल से 5%। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आप हो और आपने ए और बी में 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो ये 2 लोग आपके लेवल 1 में है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अब आपको मैं 0 बोल देता हूं, कई बार जो बिजनेस शुरू करता है उसको बड़ा बोलते हैं, तो आप 0 हो, मैं 0 हूं, मैंने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, ये लेवल 1 में आ गए। अब लेवल 1 वालों ने 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो ये आपके हिसाब से लेवल 2 में आ गए। इसके बाद लेवल 2 ने 2 लोग स्पॉन्सर किया, लेवल 3 में आ गए, और लेवल 3 ने 2 लोग स्पॉन्सर किया, लेवल 4 आ गए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इतने में आपको लगेगा कितना है, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। अब एक उदाहरण ले रहे हैं कि लेवल 4 में एक व्यक्ति ने, इसको नाम ही वेलकम रिटेल बोनस लिखा है, इसी को एक्सप्लेन करना है, बाकी आपको चीजें समझ में आ गई। यहां पे अगर लेवल 4 में कोई बंदा रजिस्टर होकर के एक प्रोडक्ट खरीदता है जिसका डीपी 1,000 रुपए है और उसका एमआरपी 1,000 रुपए। जी क्लियर हो रहा है, दिख रहा है? कह रहे सर, उधर चला, मैं ही बोल रहा हूँ, उधर दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं देख भी रहा है, साउंड भी क्लियर है, थैंक यू। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फोर्थ लेवल पे एक बंदा, एक डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी आदत है बंदा बोलने की, आप जो भी बोलो, एक इंसान, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सज्जन, 1,500, तो इसको अब कितने में प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इसने 2,500 बिजनेस वॉल्यूम का तो नहीं खरीदा, तो एमआरपी कितना था? 1,500 रुपया। तो इस सज्जन को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 10% लेस पे मिलेगा, किसके? एमआरपी पे। तो 1,500 रुपये का 10% 150 रुपया हुआ। तो जब लेवल 4 में इनकी जो बिलिंग होगी वो होगी 1,350 रुपये में। अब 1,350 में इन्होंने सामान तो खरीदा, लेकिन उसकी प्राइस तो डीपी तो 1,000 थी, तो 350 रुपया हुआ। जब आप प्रोडक्ट को रिटेल करते हो तो ये मार्जिन आपको मिलता है। मान लेते हैं अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीद के रिटेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो आपको 1,000 रुपये में बचता मिला, 1,500 रुपये उसका एमआरपी है, तो कहीं आप बीच में अपना 20% मार्जिन रख के 10% उसको दे देते तो आपको मिल जाता, तो आपको पहले अपने ही प्रोडक्ट का रिटेल करने का पैसा मिलेगा। यहां पे आपकी टीम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट को, अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना, रजिस्टर्ड कस्टमर है, वो खरीदता है, तो जो उसको डिस्काउंट मिलने के बाद, जो डिस्काउंट मिलने के बाद उसने प्राइस पे की और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, उसका जो डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब
जो ये डिफरेंस आया है फोर्थ लेवल पे वो 350 रुपए का है, तो 350 रुपए का 70% मिलेगा लेवल 3 को, 350 रुपए का 15% मिलेगा लेवल 2 को, 350 रुपए का 10% मिलेगा लेवल 1 को, और इसका 5% मिलेगा आप। ये एक एग्जाम्पल मैंने वो दिखाया जो लास्ट लेवल लेयर था, फोर्थ लेवल। अब मान लेते हैं कि सेकंड लेवल पे यही चीज हुई, तो 350 रुपए का 70% मिलेगा इनको, 15% मिलेगा आपको। एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया था थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। मान लेते हैं लेवल 1 में ही ये एक्टिविटी हुई कि इन्होंने 1000 रुपये डीपी का प्रोडक्ट खरीदा, 1500 रुपये उसकी एमआरपी थी, तो 350 रुपये का 70% किसको मिलेगा? आपको। तो जो मैट्रिक्स है ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये तो तब है जब आपने ए और बी स्पॉन्सर किए। नॉर्मली जो दो टीम का प्लान होता है उसमें जो सिंसेयर बंदा होता है वो 20 से 30 लोग स्पॉन्सर करते हैं, और इसीलिए उसमें रेफरल आईडी लिखी है। जो 20 30 लोग स्पॉन्सर करोगे उनकी भी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। अगर कोई 20 लोग स्पॉन्सर करता है तो उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वेलकम रिटेल बोनस की, वो हो सकता है 300 400 500 जाए, और 300 500 में 300 रुपए का भी मान लेते हैं, उसका 5% मान लेते हैं, तो 300 रुपए का 5% कितना हुआ? 15 रुपया। और 15 रुपए में से ये 400 हुआ, तो 15 × 400 डिवाइड करो तो ये ठीक ठाक पैसा हो जाए। तो ये वाला ही मैट्रिक्स में बहुत बड़ा पैसा है। तो ये बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलना चाहिए कि स्टार्ट कर जैसे में ही पैसा जल्दी आया है, तो ये पैसा 5 10 15 20 25 हजार भी हो सकता है पहले 2 3 महीने के अंदर। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज है इस प्लान के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, इसके बाद इस प्लान को अगर समझना है तो आप में से जितने लोग हैं तो उनको कॉपी पेन अगर ले सकते हैं तो ले लो। इस प्लान के 3 बेसिक चीजें हैं। पहला है लेवल जिसको स्टार्टअप बोनस बोलते हैं, स्टार्टअप बोनस। स्टार्टअप बोनस का मतलब है कि आपकी ए टीम में और बी टीम में बिजनेस वॉल्यूम कितना था? 1500 एंड 1500। तो 1500 1500 अगर आपने बिजनेस बना लिया तो उसको बोलेंगे एक स्टार्टअप बोनस पॉइंट। अगर आपने ऐसा बिजनेस बनाया है जिसमें ए टीम में 1500 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 1500 बिजनेस वॉल्यूम है, तो वो हुआ एक स्टार्टअप बोनस पॉइंट। इस एक स्टार्टअप बोनस पॉइंट का जो वैल्यू है वो 1500 रुपये है, सॉरी 150 रुपये। 1500 1500 बिजनेस वॉल्यूम होगा तो साथ में आपको एक बूस्टर पॉइंट और मिलेगा जिसका वैल्यू है 220 रुपये। इसका मतलब है जैसे जैसे आपका बिजनेस बने बड़ा होगा वैसे वैसे आप 1500 1500 बिजनेस वॉल्यूम से उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास स्टार्टअप बोनस आ जाएंगे, आपके पास बूस्टर कितना मिलेगा ये आ जाएगा। तो उदाहरण है, एंड ऑब्वियसली इसमें कहीं कहीं कैपिंग भी होगी, 13500 13500 का अगर बिजनेस बनाते हो तो आपको स्टार्टअप बोनस कितने मिले? तो आप 13500 को डिवाइड करोगे 1500 से तो पॉइंट कितने आए निकल के? 9। एक की वैल्यू 150 है, 1350 हो गए। अब दूसरा बूस्टर पॉइंट कितने मिलेंगे आपको? 9 पॉइंट। बूस्टर की जो कैपिंग है वो बूस्टर 1 की 9 ही पॉइंट है, 9 से ज्यादा हो गए तब नहीं मिलेगा। तो ये आपको कितना मिला? 1980। अब टोटल आपकी जो इनकम होगी वो अप्रोक्सीमेटली 3330 रुपया होगी। एग्जैक्टली वेलकम रिटेल प्रॉफिट को भी अगर कर लो तो 500 कम से कम भी मान के चलोगे तो 3800 रुपया होगा। एक कैलकुलेशन आपको ये क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा जो
बिजनेस का ब्लॉक है वो है, जैसे पहला था स्टार्टअप बोनस 1500-1500 में, अब जो है वो 15000-15000 में है। कि अगर ए में 15000 होता है और बी में 15000 होता है तो स्टार्टअप सुपर स्टार्टअप बोनस कितने हो गए, 0.2, सॉरी 1। 15000-15000 में सुपर स्टार्टअप 1 हुआ, 1500-1500 में स्टार्टअप बोनस 0.1 हुआ। अब इस पॉइंट की जब 15000-15000 होगा तो इसको जो वैल्यू है जो मिलेगा पैसा आपको 1300 रुपये मिलेगा। और इस समय आपको क्योंकि उसकी पहले वाली कैपिंग खत्म हो गई, 1500-1500 से डिवाइड करोगे अगर 15000 को तो 10 पॉइंट हो गए, तो पहले वाला हट गया, तो दूसरा आपको बूस्टर पॉइंट मिलता है, उसकी वैल्यू है 2000। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 15000 पे बोनस कैलकुलेशन कितनी होगी। तो इसको 1500-1500 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टअप बोनस पॉइंट बनते हैं 10, एक की वैल्यू 150 रुपया, तो ये 1500 रुपया हो गया। सुपर स्टार्टअप 15000-15000 एक हुआ, उसकी वैल्यू 1300 आ गई। बिजनेस बूस्टर बोनस 1 पॉइंट हुआ, जिसकी वैल्यू 2000 है, तो ये आ गई। इस तरह से ये 4800 होगा, और ऐसी स्थिति में लगभग लगभग 500-600 और मान के चलो तो ये 5000 से ऊपर इनकम होगी, वेलकम रिटेल बोनस मिला के। पंद्रह हजार वाला जो सुपर स्टार्टअप बोनस है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। मतलब 1 लाख अगर आपका बिजनेस सुपर स्टार्टअप बोनस जनरेट करता है 1 लाख से ज्यादा, तब भी आपको 1 ही लाख मिलेगा। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेगा स्टार्टअप। ये क्या होता है, जब आपका 30000 और 30000 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मेगा स्टार्टअप बोनस पॉइंट। अब 1 मेगा स्टार्टअप बोनस पॉइंट का जो वैल्यू मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली, ये मिनिमम साइड में हम ले रहे हैं 1600 रुपये। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 30000-30000 का बिजनेस होता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो गया, इसको 1500 और 1500 से डिवाइड करेंगे तो 20 पॉइंट हुए, 1 पॉइंट 150 रुपये हुआ तो 3000 हो गए। 30000-30000 को 15000-15000 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट हुए, 1 पॉइंट का वैल्यू आता है 1300 रुपये, तो 2600 रुपये हुआ। बूस्टर बोनस 15000 और 15000 पे 1 मिल रहा था, उसकी वैल्यू 2000 थी, तो ये 2 पॉइंट हो गए, तो 4000 हो गया। अब 30000 का एक मेगा स्टार्टअप है, उसका वैल्यू 1600 हो गया, इनकम अप्रॉक्सिमेटली 11200 होगी, और इसमें लगभग लगभग 1000 रुपया आप वेलकम स्टार्टअप बोनस भी आपको मिलेगा। मैं बहुत मिनिमम साइड में लेके जा रहा हूं। जो मेगा स्टार्टअप बोनस मिलेगा आपको उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। जब भी आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो मेगा स्टार्टअप बोनस से जो इनकम मैक्सिमम मिलेगी वो 2 लाख तक मिलेगी, 2 लाख के से ऊपर हो जाएगा तो फिर भी 2 लाख ही मिलेगा। अब बात करते हैं कार फंड। जब 30000-30000 को यानी मेगा स्टार्टअप बोनस को आप 3 महीने मेंटेन करते हो तो चौथे महीने आपको एक और वैल्यू मिलती है जिसका नाम है कार फंड, और इसकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपये है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30000-30000 का बिजनेस आपने लगातार 3 महीने मेंटेन किया, तो चौथे महीने आपको एक और एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी जिसका नाम है कार फंड, जो इतना मिलेगा जितने आपके बिजनेस में मेगा स्टार्टअप बोनस है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो 12200 आता है। 1000 रुपया 1500 रुपया और मान लो, हम बेयर मिनिमम 1000 मानते हैं, तो 13200 इस समय इनकम होगी। बहुत कंजर्वेटिव हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कार फंड का जो मैक्सिमम होगा वो 3 लाख रुपया होगा, यानी जब भी बड़ा बिजनेस बनाओगे उसमें अगर कार फंड की वजह से 4 लाख का इनकम दिखा रहा है तो मिलेगा 3 ही। हाउस फंड का मतलब है कि 30000-30000 यानी मेगा स्टार्टअप बोनस को अगर आप 6 महीने मेंटेन करते हो, 7वें महीने आपको हाउस फंड मिलेगा जिसकी वैल्यू अगेन 1000 रुपये है। तो 7वें महीने अगर आपने 30000-30000 का बिजनेस किया तो ये बाकी कैलकुलेशन का आप ले सकते हो। जितने भी लोगों को ये और समझ में नहीं आता, आज कैलकुलेशन से काफी समझ में आएगा, अदरवाइज वो ईमेल भेज सकते हैं, मैं उनको ईमेल में भेज सकता हूँ।
आपको एक्स्ट्रा क्या मिला? हाउस फंड, जिसका वैल्यू 1,000 रुपये हुआ, तो टोटल इनकम 13,200 रुपये होगी। इस स्थिति में 1,500 रुपये और मान के चलो, तो ये लगभग 14,700 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हाउस फंड का भी जो मैक्सिमम होगा वो 3 लाख रुपये। 60,000 का बिजनेस बनाते हैं, तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, पहले कैलकुलेट करोगे 1,500 से डिवाइड करोगे तो स्टार्टअप बोनस पॉइंट हो गए, सुपर स्टार्टअप मतलब 15,000 से डिवाइड करोगे 4 पॉइंट हो गए, इसके बाद 30,000 से डिवाइड करोगे 2 हो गए पॉइंट, कार फंड 2 हो गए 2,000, हाउस फंड 2 हो गए 2,000, इसमें आपको एक बूस्टर और मिलेगा जिसकी वैल्यू 3,000 है, तो ये लगभग आपकी इनकम 21,400 होगी। इसमें 2,000 कम से कम वेलकम स्टार्टअप बोनस आप ऐड कर सकते हो। मैं वेलकम स्टार्टअप बोनस को बहुत मिनिमम साइड में लेकर चल रहा हूँ। अगर 1,20,000 का बिजनेस होता है दो टीम में, तो आप बाकी कैलकुलेशन के आप माहिर हो चुके होंगे, बूस्टर बोनस मिलेगा इसमें 5,000 का, तो आपका जो इनकम आती है वो 41,800 होगी। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,000-4,000 रुपये आपको वेलकम रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा, ये 45,000। तो 1,20,000 में आपको 45,000। ये प्लान डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं, प्लान इंपॉर्टेंट क्या है। इस प्लान की खासियत ये है कि एक नए बंदे को बिजनेस में आना आसान है, नए बंदे का प्रोडक्ट को रिटेल करना आसान है, और एक नया बंदा, मैं नए के लिए बोल रहा हूँ, आई होप आप में से काफी लोग इस इंडस्ट्री के लिए नए नहीं होंगे, बट एक बिल्कुल नया बंदा आता है और वो सिंसियर है, वो तो 6 महीने में यहां तक पहुंच सकता है। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 6 महीने में 45,000 तक पहुंचता है, वो जिंदगी में आगे जाए। और ये 6 महीने में 45,000 का इस तरह से पहुंचना, जो तीसरा पी था यानी प्लान, ये इंडस्ट्री में आज भी नहीं। अब इसके ऊपर हाइएस्ट है, और मैं फिर नए लोगों को बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए नहीं, जिनको इस इंडस्ट्री का अंदाज है या इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कि 2,75,000 और 2,75,000 जब आप बिजनेस करते हो, तो जो आपको स्टार्टअप बोनस, सुपर स्टार्टअप बोनस, मेगा स्टार्टअप बोनस के अलावा लीडरशिप बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, इसको लीडरशिप बोनस 1 कहते हैं, उसकी वैल्यू 18,000 रुपये है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं इसको फास्ट जा रहा हूं, तो आपकी इनकम 1,02,000 रुपये से ऊपर होगी। लीडरशिप बोनस 2, जब आपका बिजनेस ए टीम में 12 लाख और 12 लाख हो जाता है, तो आपको लीडरशिप बोनस का 1 पॉइंट और मिलेगा, जिसकी वैल्यू 1.5 से 2 लाख होगी। यहाँ पे हम 1 लाख बता रहे हैं। अब स्टार्टअप बोनस आप देखोगे यहाँ पे कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब 50,000 से ज्यादा हो गया लेकिन मिलेगा 85। 15,000 को वेट करोगे तो फिर मैक्सिमम लिमिट आ गई, 1 लाख मिलेगा। मेगा स्टार्टअप बोनस मतलब 30,000 से डिवाइड करोगे तो 40 पॉइंट, 64,000 रुपये हो गई। कार फंड 40,000, हाउस फंड, लीडरशिप बोनस 1.1 लाख रुपये। तो ये जो इनकम आएगी 3,94,000 है, ये एक्चुअली 4 लाख को क्रॉस करेगी। तीसरा जो फेज है वो लीडरशिप बोनस 3 है, जब आपका बिजनेस 30 लाख का होता है, तो लीडरशिप बोनस 3 का 1 पॉइंट मिला, ये मिनिमम हमने 1 लाख बताया, ये 2 लाख से हमेशा ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली स्टार्टअप बोनस का मैक्सिमम आ गया 50,000 रुपये, सुपर यानी 15,000 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख वाला आ गया, मेगा स्टार्टअप बोनस 1,60,000 हो गया, कार फंड वाला 1 लाख हो गया, हाउस फंड वाला 1 लाख हो गया, लीडरशिप बोनस 2, क्योंकि 12 लाख से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो ये 2 लाख हो गया, एंड 3 के 1 पॉइंट हुआ तो 1 लाख हो गया, तो ये 8,10,000 दिखाया, इट विल एक्चुअली ऑलवेज क्रॉस 10 लाख रुपीज। तो ये इनका प्लान था, जो प्लान था मंथली। अब इसके बाद ईयरली प्लान है कि पूरे साल में अगर आपकी ए टीम में 50 लाख, बी टीम में 50 लाख होता है, तो आपको एनुअल इनकम भी आएगी। अगर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ हो जाता है, आप दूसरे स्लैब में आ गए,
और आपको 5 करोड़, 5 करोड़ आ गया तो आपको तीसरे स्लैब में, इसमें से जिस स्लैब में जो क्वालिफाई होगा उसी स्लैब की इनकम मिलेगी, उससे नीचे वाले की नहीं मिलेगी। ये इनका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सिस्टम बहुत जरूरी है, एंड आई होप आज भी हम शायद टाइम से थोड़ा ही बहुत आगे हैं, 1-2 मिनट का और बात करेंगे। तो एक सिस्टम चाहिए, तो जो A1 एकेडमी है इनका सिस्टम का नाम होगा, ये डिजिटल और फिजिकल फ्रॉम द डे 1 फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होंगे। अब बात करते हैं, हमने बात की थी कि अर्ली बर्ड प्री ऑर्डरिंग 6 प्रोडक्ट के स्टार्ट हो गए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अर्ली बर्ड प्री ऑर्डरिंग, क्योंकि 22 तारीख को कंपनी फॉर्म हुई एस्टोनिया 1, इतने कम समय में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट के ऑर्डर लेना और अगले 3-4 दिन में डिलीवर करना, ये बहुत ही एफिशिएंट और प्रोफेशनल टीम का काम है। ये 6 प्रोडक्ट आप प्री ऑर्डर कर सकते हो, कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। और 6 प्रोडक्ट कौन है पहले ये बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहे तो आपको भेज भी सकता हूँ 1-to-1 बेसिस पे। तो पहला प्रोडक्ट होगा कैल्शियम D3, ये एडिशनल है, इसमें मैग्नीशियम भी होगा, इसकी MRP 399 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 249 है, 89 बिजनेस वॉल्यूम है, अश्वा 1 KSM 66 है, 1200 रुपये इसका MRP है, 900 रुपये इसका DAP है, ये बिजनेस वॉल्यूम है, Everyday 1 ये मल्टीविटामिन है, 1299 इसका MRP है, 999 DP है, 399 मैं जस्ट मार्क कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्वीट 18+ है, अमेजिंग 40+ है और आयरन। तो एक भी प्रोडक्ट के आप मल्टीपल ऑर्डर बना सकते हो, 6 के 6 के एक एक बना सकते हो, जो आप बनाए। ये 6 प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आप प्री ऑर्डर फॉर्म में कंपनी को ऑर्डर कर सकते हो, कंपनी ने ऑलरेडी एक लिंक भेजा हुआ है, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका एस्टोनिया 1 का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, ये सब उसमें फीड हो जाएगा। और कंपनी का मानना यह है कि 85% लोकेशंस में जो प्रोडक्ट होगा वो 3rd डे डिलीवर हो जाएगा। तो ये 6 प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो, ये 6 प्रोडक्ट में पैकिंग का आप अंदाज लगाओ, ये जो भी आपका अपना एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट को लेकर के, पैकिंग, प्राइस एंड क्वालिटी, इट विल बी अनमैच्ड। ये प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है इसलिए भी आपको करना जरूरी है, हो सकता है आपके घर में इसकी जरूरत हो सकता है आप कस्टमर को दे सकें, लेकिन ये प्रोडक्ट जब आपके पास होगा, क्योंकि अभी तक जो आप प्लान देख रहे हो या दिखा रहे हो वो कागज में दिखा रहे हो या ब्रोशर में दिखा रहे हो या PDF फाइल में दिखा रहे हो, जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा आप खुद हैरान हो जाओगे पैकिंग को लेकर के। और जब ये प्रोडक्ट आप किसी को प्लान दिखाते समय दिखाओगे तो बंदा हैरान हो जाएगा इसकी पैकिंग और प्राइस को लेकर के, और जब इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इस पैकिंग का, इस प्राइस का, और इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट जो 7 दिन में रिजल्ट दे सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 प्रोडक्ट ये हो गए, एरन फॉलिक हो गया, अमेजिंग 40 हो गया, कैलमेक डी, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 6 प्रोडक्ट आप प्री ऑर्डर फॉर्म में कर सकते हो 28 फरवरी को। एस्टोनिया 1 का पहला रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 1 night 2 days, एंड उसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल अचीवेबल है। अगर आपकी ए टीम में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और बी टीम में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप 1 night 2 days का जो चंडीगढ़ में होना है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। 10,000 एंड 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करके 1 night 2 days क्वालिफाई करना, मतलब चंडीगढ़ जाना नहीं है, ये जो एस्टोनिया 1 का जो स्टार्टअप है जिसमें आज 27 साल के बाद पहले दिन से 100% मैन्युफैक्चरिंग और पहले दिन से 100% अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम,
इंडस्ट्री में बेस्ट पैकिंग, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनी के आप फाउंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो। और 28 फरवरी को आपको जो विजन मिलेगा और आपके साथ जो लोग क्वालिफाई करके आएंगे, उसके बाद आप अंदाज लगा सकते हो क्या हो सकता है। हमारा जो प्रेजेंटेशन था आज लगभग 15 या 20 मिनट थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि आज हमने बताया था आपको कि दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक, प्लान का, कैलकुलेशन का। और मेरे को आशा उम्मीद है कि आपको हमने बेस्ट कोशिश की है, प्लान समझ में आ गया होगा। अगर इनकेस फिर भी कोई पूछना हो तो मेरा नंबर सबके पास है, आपकी एक्टिव अपलाइन भी आपके साथ है। इसको प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करना है उसका लिंक मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जाए कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार पहली बार अगर मैं गूगल पे भी यूज किया होगा तो अनकंफर्टेबल था। तो उस पेमेंट लिंक के अंदर आप पूरा डिटेल फीड कर सकते हो, उसमें एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आएगा, एंड 85% लोकेशन पे द प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड इन 3 डेज। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये क्यों करना जरूरी है, जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो आप दो चीज को लेकर हैरान हो जाएंगे, द इंग्रेडिएंट, पैकेजिंग एंड प्राइस। जब यही चीज आप जिसको प्लान दिखाओगे, क्योंकि ये टूल है बिजनेस का, तो वो प्राइस और पैकिंग को लेकर के हैरान हो जाएगा। एंड जब ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे और 7 दिन के अंदर रिजल्ट आएंगे, तो देन इट विल चेंज एवरीथिंग। मेरे हिसाब से आशा करता हूँ मैंने आपको जितनी समझाने की कोशिश की समझ में आ गई होगी। और कई बार ऐसा होता है नहीं समझ में आती पूरी बात, थोड़ी बहुत अगर बच भी गई होगी 2-4-5%, तो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपके साथ है और हम मैं कुसुम आपके साथ है, तो आप नंबर से बात कर सकते हैं। शुभरात्रि, एंड जैसे मैंने पीछे लिखा हुआ है, टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। शुभरात्रि, जल्दी आपसे मुलाकात।